सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के नशा तस्कर जुल्फान गांव बढ़ी माजरा के द्वारा नशे का कारोबार करके करोड़ की प्रॉपर्टी अर्जित की गई। आज सहारनपुर प्रशासन के द्वारा इस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया के निर्देशन पर प्रशासन नशा तस्करों की कमर तोड़ने में लगा हुआ है। ऐसे में आज गंगोह में शातिर नशा तस्कर के खिलाफ ये बड़ी कार्यवाही की गई है, जिससे नशा तस्करी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। तहसील नकुड़ के अंतर्गत थाना गंगोह के निवासी ग्राम बाढ़ी माजरा के हैं जुल्फान सनाफ लियाकत और इरफान सनाफ लियाकत। ये लोग नशा तस्करी व ड्रग माफिया के रूप में काफ़ी संपत्तियां अर्जित कर लिए हैं और लगातार इन पे कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन इनको डीएम साहब की तरफ से इनके द्वारा अवैध तरीके से जो धन अर्जन किया उसके द्वारा जो संपत्ति बनाई गई है उसको जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर के द्वारा पूर्व कर ली गई है। उसी के क्रम में आज थाना अध्यक्ष गंगो और मैं तहसीलदार नकुड़ दोनों अपनी टीम के साथ इन पर संपत्तियों पर कब्जा ले रहे हैं। इनकी कुल 1,90,00,000 रुपए की परिसंपत्ति अभी तक प्रकाश में आ पाई है, जिसको डीएम साहब के द्वारा पूर्व किया गया है। इस पर हम लोगों ने पजेशन ले लिया है। एक अल्ताज होटल किराए पर इनका चल रहा था जो गंगोह में स्थित है। इनका एक मकान था आवासीय, जिसमें खाली वाला जो पोर्शन था जिसमें नहीं लोग निवासरत थे उस पोर्शन को सील कर दिया गया है, लेकिन जिसमें ये लोग निवासरत थे वही एक था, तो उस पर हम लोग उसकी छेड़छाड़ नहीं किए हैं। और साथ में इनके 2 कृषि भूमियाँ थी जिसको मौके पे हम लोगों ने बोर्ड लगवा के उस संपत्ति की कुर्की की घोषणा कर दी और अपने पजेशन में ले लिया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।